SBI बैंक द्वारा खोले गए सेंटर के संचालक ने खाता धारकों का पैसा बैंक में न जमा करते हुए हड़प लिया है, जिसके बाद बैंक और पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत करी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। SBI बैंक गोयल नगर की ब्रांच ने बस्तियों में खोले गए सेंटर में से एक सेंटर मूसाखेड़ी में भी खोला था, जिसमें बैंक द्वारा आरोपी वैभव गुप्ता को नियुक्त किया गया था, जहां वैभव गुप्ता ने लोगों से 8 से 10 लाख रुपए लेकर उनको बैंक की जमा रसीद तो दे दी, लेकिन पैसा बैंक में जमा नहीं करवाया और अपने पास ही रख लिया। खाता चेक करने पर जब पीड़ितों को जमा किए गए पैसे नहीं दिखे तो वे मामले को लेकर बैंक के पास पहुंचे। बैंक ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पीड़ितों के साथ मिलकर पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बस्ती में सेंटर चलाने वाले वैभव गुप्ता नामक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वैभव गुप्ता है जो SBI के जो कियोस्क सेंटर खोले थे, तो मूसाखेड़ी सेंटर पे इनको नियुक्ति थी, इनको प्राधिकार था कि वहाँ निम्न आय वर्ग के लोगों को हितग्राहियों का खाता खोले और उससे संबंधित राशि गोयल नगर स्टेट बैंक शाखा में जमा करें। किंतु वैभव गुप्ता जी ने ऐसा ना करके और उनसे राशि प्राप्त करी और खुद लेके उसको हड़प लिया। उनके साथ धोखाधड़ी हुई, इस आशय का एक शिकायत आवेदन पत्र और बाद में करीब 19 शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर वैभव गुप्ता जी को गिरफ्तार किया गया।